सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम विच वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर प्रीवियस क्लासेस। इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन विच वी हैव इंक्लूडेड स्प्रिंग सस्पेंशन where we completed leaf spring, tapered leaf spring, coil spring and torsion bar. Similarly, we have covered all types of rubber springs, then we have covered plastic springs, then air springs and hydraulic springs. Apart from this, we have completed our shock absorber telescopic type. Okay. Then we have also covered hydraulic suspension system. Then we have this independent suspension system in which we have different types which are wishbone or parallel link type, Mac-Pearson screw type, vertical guide type, trailing link type and swinging half axle type. So today we are going to discuss about these types of axles. Okay. So if we would look at the suspension system, we broadly classify it into two different parts. Ek kaun sa hota hai? Independent type. One is your non-independent type. ठीक है, और दोनों में ही अगेन दो टाइप होती हैं। इंडिपेंडेंट में अगेन आपके पास फ्रंट और रियर हो सकता है और नॉन इंडिपेंडेंट में अगेन आपके पास फ्रंट और रियर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज नॉन इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इट हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट व्हील्स अटैच्ड टू द सेम सॉलिड एक्सल। तो देखिए, जो नॉन इंडिपेंडेंट है, एज द नेम सजेस्ट नॉन इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, यानी लेफ्ट पे यदि कोई भी आपके पास में रिएक्शन आती है तो वो राइट पर भी ट्रांसफर होगी, बिकॉज इन बिटवीन देम देयर इज अ सॉलिड यू नो अटैचमेंट। एक एक्सेल है, सॉलिड एक्सेल है जो दोनों को कनेक्ट करती है लेफ्ट को राइट से। ओके, सो व्हेन वन व्हील हिट्स अ बंप इन द रोड, इट्स अपवर्ड मूवमेंट कॉजेज अ स्लाइट टिल्ट ऑफ द अदर व्हील। सॉलिड एक्सेल टिल्ट्स विद रोड बंप्स। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें यदि आपके किसी भी व्हील के ऊपर में कोई बंप आता है, कोई पत्थर आता है या कोई भी चढ़ान आती है, और ये यदि पहिया ऊपर होता है कोई सा भी, तो क्या होता है, वो ऊपर उठता है लेकिन दूसरे साइड का पहिया भी टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है किसी एंगल पर ऊपर की तरफ उठ जाता है। सो दिस इज हैपनिंग इन योर नॉन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, बिकॉज ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या कह लीजिए नॉन इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमारे पास एक के रिएक्शन दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो ब्रॉडली यदि हम बात करें तो ये हमारे लिए कुछ हद तक अच्छा भी और कुछ हद तक खराब भी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एडवांटेजेस। सो non-independent type of suspension systems are strong, could support very heavy loads. तो देखिए, जो ट्रक्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, non-independent type होता है, एक सॉलिड एक्सल बीच में लगी होती है, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत हाई जो आपके पास में वेट है वो ले सकता है, तो जो उसकी कह सकते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है नॉन इंडिपेंडेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉन इंडिपेंडेंट इंजन एंड व्हीकल बॉडी वुड हैव टू बी माउंटेड हाई अप टू अलाउ फॉर मूवमेंट ऑफ द बीम। तो देखिए, ये जो बीम है ये लगातार क्या होती है, अप एंड डाउन होती रहती है। यदि लेफ्ट का व्हील ऊपर होगा तो ये पूरी बीम लेफ्ट से ऊपर हो जाएगी, राइट में होगी तो राइट साइड से ऊपर हो जाएगी। तो ये जो आपके पास सस्पेंशन है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अप एंड डाउन हो रहा है दोनों साइड से, और ये बीम भी ऊपर नीचे हो रही है। तो हमारे पास जो यहाँ पर इंजन है वो क्या होता है, आप इससे टच हो सकता है, तो हमारे को यहाँ पर प्रॉपर क्लियरेंस देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इंजन को थोड़ा ऊंचा लगाते हैं, यानी कि उसका जो नीचे से जो अपलिफ्ट है उसको हम थोड़ा ऊंची की तरफ रखते हैं, जिससे कि हमारा वो किसी तरह से टच नहीं हो इस बीम के ऊपर में। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ड्रॉबैक है। हाई लेवल ऑफ अनस्प्रंग मास, तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं इस चीज की, तो अनस्प्रंग जो मास है, जो अनसपोर्टेड मास है स्प्रिंग के अलावा जो मास है, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, स्टिफ स्प्रिंग वर यूज ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ बीम मूवमेंट दैट कुड बी अलाउड। तो यहाँ पर जो हम स्प्रिंग्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा ऊपर नहीं उठे, इसलिए हम क्या करते हैं स्टिफनेस ज्यादा लेते हैं, यानी कि वो कम प्रेस होती है। यानी कि मान लीजिए बम्प आया तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, वो कम डिफ्लेक्ट हो, इसलिए हम स्टिफ हाईली स्टिफ स्प्रिंग्स काम में लेते हैं, भले वो लीफ स्प्रिंग हो भले ही वो कॉयल स्प्रिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे लीफ स्प्रिंग भी आपके पास लगी हुई है, और ये नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है क्योंकि ये रिजिड एक्सेल है आपके पास में। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और इसी तरह से राइट में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक रिजिड एक्सेल है रेयर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉयल स्प्रिंग लगी हुई है दोनों साइड में। ठीक है, तो ये दोनों ही अरेंजमेंट किसके लिए है, नॉन इंडिपेंडेंट टाइप, यानी कि यदि राइट से पहिया उठता है तो लेफ्ट से भी वो पहिया टिल्ट होता है। तो दिस इज अबाउट योर
non-independent type of suspension system. Then we have independent suspension. Independent का मतलब क्या है? कि दोनों एक दूसरे से attachment नहीं रखते हैं, दोनों independent है, यानी left का यदि suspension system काम कर रहा है, तो right के suspension system पे कोई भी उसका reaction नहीं आएगा, और right का कर रहा है, तो left पे नहीं आएगा, यानी both are individual, ठीक है? तो इस तरह के suspension system को बोलते हैं independent type of suspension system. So independent suspension is a broad term for any automobile suspension system that allows each wheel on the same axle to move vertically independently to each other. तो इससे क्या फ्रीडम मिलती है कि जो भी आपका व्हील है वो इंडिपेंडेंटली अप एंड डाउन मूव कर सकता है. ऐसा नहीं सिर्फ अप ही मूव करेगा, यदि कोई गड्ढा आया है तो वो डाउन भी मूव कर सकता है, बट इट विल नॉट कॉज एनी इफेक्ट टू द अदर साइड ऑफ द व्हील. यदि मान लीजिए दूसरा जो व्हील है उसके ऊपर कोई रिएक्शन इससे नहीं आएगी, सो इट विल ट्राई टू कीप इन इट्स फुल अलाइनमेंट. तो जो अदर व्हील है वो हमेशा अपना अलाइनमेंट प्रॉपर रखता है, किसी एंगल पर टिल्ट नहीं होता है, तो उससे क्या होता है प्रॉपर कोहेशन बना रहता है और जो सरफेस है वो उसकी प्रॉपर टच में रहती है, रोड सरफेस. ओके, सो इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस वन व्हील मूव्स विदाउट अफेक्टिंग द अदर. तो इसका मेन जो कह सकते हैं इसका एडवांटेज यही है कि एक व्हील यदि ऊपर नीचे होता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो राइट साइड का व्हील है ये ऊपर हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड का व्हील आपका पूरी तरह से ग्राउंड के टच में है, क्योंकि इसका इफेक्ट राइट पे नहीं आता है. कंट्रोल्स आर्म पिवटेड, दिस हेल्प टू कीप द व्हील अप स्ट्रेट. तो देखिए यहाँ पर जो होता है, हम लोग जो इनके जॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, हम पिविटेड पॉइंट्स लगाते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पिविट पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, सिमिलरली एक पॉइंट आपका यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा. तो ये पिविटेड पॉइंट्स है. पिविटेड पॉइंट से फायदा क्या होता है कि आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यदि व्हील ऊपर नीचे हो रहा है तो वो पिविट पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करता है, वहां से क्या बोल सकते हैं एंगुलर मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ये जो रिएक्शन हो रही है वो दूसरे एंड पर नहीं जाती है. ओके, सिमिलरली प्रीफर्ड सिस्टम फॉर मॉडर्न व्हीकल्स. तो ये जो इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जो भी अभी मॉडर्न व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें, क्योंकि इससे हमारा क्या होती है व्हीकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस हमारे पास सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है और पूरी गाड़ी पर इसका इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ उसी व्हील पे आता है जिस व्हील के ऊपर में किसी तरह का पिट या बंप आया है. ओके, सो दिस इज योर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम. तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम ज्यादा बात करेंगे इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, क्योंकि डिपेंडेंट के अंदर तो कॉइल या फिर लीफ स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं. ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट की, दैट इज मैक पियर्सन स्क्रू टाइप. ठीक है, सो एज यू कैन सी इन दिस राइट डायग्राम, दीज आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ दिस मैक पियर्सन स्क्रू टाइप. ठीक है, तो अभी हम इसको साथ के साथ समझते हैं कि डायग्राम में हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है, वो किस तरह से काम करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेआउट ओनली द लोअर विशबोन इज यूज. तो देखिए यहाँ पर जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, यहाँ पे आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं, ये आपके पास में लोअर विशबोन ही काम में लेते हैं. जब हम आप भी आगे पढ़ेंगे डबल विशबोन भी पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर भी विशबोन होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल विशबोन काम में लेते हैं विच इज अटैच टू द क्रॉस मेंबर. ओके, अ स्क्रूएट कंटेनिंग शॉक एब्जॉर्बर एंड कॉइल स्प्रिंग ऑल्सो कैरीज द स्टब एक्सल ऑन विच द व्हील इज माउंटेड. तो देखिए इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रूअर्ट. ठीक है, तो ये स्ट्रूअर्ट आपको दिख रहा है, स्ट्रूअर्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं. स्ट्रूअर्ट्स के अंदर आपका सस्पेंशन सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर में शॉक एब्जॉर्बर आपको नजर आ रहा है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, इसी के ऊपर आपके पास कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है. तो ये दोनों पार्ट जो है वो स्ट्रूअर्ट के हैं, प्लस आप यहाँ पर एक देख रहे हैं ये स्टब एक्सल लगी हुई है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, जिसके ऊपर में आपका व्हील हब माउंट होता है. तो ये जो आपके पास में स्टब एक्सल है ये भी किसका पार्ट है, स्ट्रूअर्ट का पार्ट है. तो ऑल थ्री विल कॉन्स्टिट्यूट योर स्ट्रूअर्ट. ठीक है, सिमिलरली द विशबोन इज हिंज्ड टू द क्रॉस मेंबर एंड पोजीशंस द व्हील एज वेल एज टेक्स द एक्सेलरेटिंग ब्रेकिंग एंड साइड फोर्सेस. तो आप ये जो विशबोन देख रहे हैं, ये जो विशबोन होती है ये क्या होती है, यहाँ पर जो दूसरा एंड दिख रहा है ये क्रॉस मेंबर से अटैच रहता है. क्रॉस मेंबर आप लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्रंट में जो जो फ्रंट एक्सेल होता है उसके अंदर में हमने देखा था एक क्रॉस मेंबर लगा हुआ होता है. ठीक है, सो इट इज सपोर्टेड ऑन द क्रॉस मेंबर. एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर पढ़ा था हमने, एक क्रॉस मेंबर पढ़ा था. तो ये किस पर सपोर्ट करेगा, क्रॉस मेंबर पर, जो कि क्रॉसली माउंटेड होते हैं, उसके ऊपर में इसका पिविट पॉइंट पे पिविट होगा. ओके, और ये जो विशबोन है ये क्या क्या इफेक्ट्स लेती है, इट कैन टेक योर एक्सेलरेटिंग ब्रेकिंग एंड साइड फोर्सेस. तो जब भी ये गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो भी विशबोन के ऊपर में सारे रिएक्शन आएंगे, ब्रेक लगेंगे तो भी ये विशबोन सारे रिएक्शंस को लेगी, प्लस साइड फोर्सेस, या जब भी गाड़ी टर्न करती है तो उस केसेस में भी सारे जो भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो सारे कौन लेंगे, विशबोन के ऊपर में आएंगे और ये इसको फेस करेगी. देन दिस सिस्टम इज सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन
द कैम्बर एंगल डज नॉट टेंड्स टू चेंज एज व्हील मूव्स अप एंड डाउन। तो ये जो आपके पास सिंगल विशबोन लगी हुई है, ये जो सिस्टम है ये बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको अटैच और डिटैच कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है वो है कि जो व्हील आपके अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि इससे कैम्बर चेंज नहीं होता है। कैम्बर एंगल हमने पढ़ा था कि जब बाहर की साइड में हम इसको टिल्टेड रखते हैं उसको हम पॉजिटिव कैम्बर बोलते हैं, और अंदर की तरफ रखते हैं उसको हम नेगेटिव कैम्बर बोलते हैं। तो ये हम लोगों को किसी तरह से कैम्बर में डिफरेंस नहीं करता है। तो जब भी हमारे पास पिट और वो आते हैं, बम्स आते हैं, तो ये जो स्टूअर्ट टाइप है ये हमारे को स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ओके, दिस सिस्टम विल गिव मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट एंड देयरफॉर कॉमनली यूज इन फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स। तो आपके लिए आपने अभी हमने बात करी थी जो नॉन इंडिपेंडेंट थे उसमें हमको इंजन को काफी ऊपर रखना पड़ता था क्योंकि इंजन स्पेस कम रहता था। लेकिन इस टाइप में मैक पियर्सन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपके पास इंजन के लिए सफिशिएंट जगह होती है, इसीलिए आप इंजन को काफी नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है आपको। और दूसरी बात क्या है कि जब आपका इंजन नीचे लग सकता है तो यहाँ पर हम लोग उसको वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास फ्रंट व्हील ड्राइव जो कार्स हैं, तो जिसमें इंजन आगे ही लगा होता है और आगे के ही व्हील्स को ड्राइव मिलती है, तो वहां पर हम कॉमनली इस तरह के सस्पेंशन सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, दिस सिस्टम विथ एन एंटी रोल बार प्रोवाइड्स इंक्रीज रोड सेफ्टी, इंप्रूव्स रोड कंफर्ट, लाइट एंड सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी रोल बार। ठीक है, तो एंटी रोल बार आगे जब हम लगाते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे इसका डायग्राम, तो जब एंटी रोल बार हम यूज कर लेते हैं तो उससे हमारी एक तो रोड सेफ्टी बढ़ जाती है और राइड कंफर्ट हो जाती है, जो राइड कर रहे हैं हम चला रहे हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, और लाइट एंड सेफ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग जो होता है बहुत इजीली स्टीयर हो सकता है, आराम से मुड़ सकता है। तो ये सारे फायदे होते हैं आपके पास एंटी रोल बार लगाने के। ठीक है, और ये इस तरीके का मैक पियर्सन इंस्टीट्यूट आप मारुति 800 टाइप की कार जो देखेंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो हम बात करें एंटी रोल बार की, वो कुछ इस तरीके का होता है। यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, दिस बार इज नोन एज एंटी रोल बार। तो ये हमारे को क्या करती है, साइड्स में और जब भी हमारा, अभी हमने देखा यहाँ पर कि रोड सेफ्टी बढ़ाती है, इम्प्रूव रोड कम्फर्ट, लाइट एंड सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग। तो ये बार लगाने से क्या होता है, हमारा लेफ्ट का और राइट का जो सस्पेंशन है वो कनेक्टेड रहता है आपस में। ओके, यदि हम इस मैक पियर्सन स्टूअर्ट को एनिमेशन में देखना चाहें तो एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, द लोअर लिंक दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लिंक, और हमने इसी को बोला है लोअर विशबोन। तो ये लोअर विशबोन क्या होती है, आपकी क्रॉस मेंबर से लगी हुई रहती है। देन यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर के अंदर में स्टब एक्सल नजर आ रही है जिसके ऊपर में आपका हब माउंट होता है। देन वी हैव स्टूअर्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूअर्ट, स्टूअर्ट के अंदर में आपके पास में शॉक एब्जॉर्बर लगा है और ऊपर में कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है। सो दिस इज द अरेंजमेंट, और जैसे ही कोई शॉक आता है तो ये क्या होता है, विशबोन आपकी पिविट पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो सकती है। और ये जो आप देख रहे हैं जहां से आपकी ड्राइव आ रही है, जहां से आपको पावर मिल रही है, ये जो होती हैं ये पिविट पॉइंट्स से अटैच होती हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा था सीवी कप्स पड़े थे, तो सीवी कप्स की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि यदि आपका व्हील ऊपर नीचे भी होता है तो भी ये जो पावर है ये लगातार ट्रांसफर होती रहे व्हील्स के ऊपर में। सो दिस इज हाउ योर मैक पियर्सन स्टूअर्ट वर्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम विशबोन बोल लीजिए, डबल विशबोन बोल लीजिए, ये दोनों सेम चीज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विशबोन है वो पहले वाले केस में सिंगल थी, यहाँ पर हमने डबल विशबोन काम में लिए, नीचे और एक ऊपर की तरफ में दो विशबोन हमने काम में लिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन डबल विशबोन टाइप, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है ये, और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपको ये डबल विशबोन टाइप देखने को मिलेगा। Then the use of coil spring with a damper in front axle is common in this type of suspension system. तो इसमें क्या होता है, एक हम डैम्पर काम में लेते हैं और ऊपर में स्प्रिंग लगी रहती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आपके पास में शॉक एब्जॉर्बर या डैम्पर बोल लीजिए वो लगाया और उसके ऊपर में कॉयल स्प्रिंग लगी हुई है, वो हम इसमें काम में लेते हैं फ्रंट एक्सल के अंदर में। देन द अपर एंड लोअर विशबोन आर्म्स आर पिवोटेड टू द फ्रेम मेंबर्स। तो आप देखेंगे नीचे का जो आपके पास में विशबोन है वो क्रॉस मेंबर है, इस पे पिविटेड है, और ऊपर का भी पॉइंट जो है वो क्रॉस मेंबर पे पिविटेड है। तो ये दोनों ही पिविटेड पॉइंट्स हैं। पिविट से फायदा क्या होता है कि ये इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर वाला विशबोन या नीचे वाला विशबोन। ठीक है, द व्हीकल वेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बॉडी एंड क्रॉस मेंबर्स टू द कॉइल स्प्रिंग थ्रू विच इट गोज टू द लोअर विशबोन मेंबर। तो क्या होता है, जो भी गाड़ी का वेट है ऊपर से में, जो आपके पास व्हीकल का जो वेट आ रहा है वो क्या करता है, सबसे पहले
बॉडी से होता हुआ क्रॉस मेंबर्स पे जाता है। तो ये जो आपको क्रॉस मेंबर दिख रहा है इसके ऊपर में ये पूरा वेट जाता है गाड़ी का, और ये जो ब्लैक सा कलर है इसके ऊपर में पूरा वेट आता है। और ये क्या होता है आपका, इट ट्रांसफर्स थ्रू द कॉइल स्प्रिंग थ्रू विच इट गोज टू द लोअर विशबोन मेंबर। तो यहाँ पर जो वेट आपके पास में इससे ट्रांसफर हुआ है, और ये जो आपके पास में शॉक एब्जॉर्बर और कॉइल स्प्रिंग लग रही है इससे होता हुआ ये लोअर विशबोन पे चला जाता है, ठीक है। सो कंप्लीट जो आपके पास में लोड है गाड़ी का वो क्या होता है लोअर विशबोन के ऊपर में हमेशा रहता है। ओके, द शॉक एब्जॉर्बर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल स्प्रिंग एंड इज अटैच्ड टू द क्रॉस मेंबर एंड लोअर विशबोन मेंबर। और ये जो आपने देखा कॉइल स्प्रिंग के अंदर की साइड में आपको क्या लगा रखा है, शॉक एब्जॉर्बर लगा रखा है, क्योंकि जो कॉइल स्प्रिंग होती है वो काफी रेजिलेंस करती है। यदि मान लीजिए अकेले कॉइल स्प्रिंग हम लगाते तो कोई भी बम्प या पिट आता तो काफी देर तक वाइब्रेट होती, तो उसको रोकने के लिए हमने इसके बीच में क्या लगा रखा है, हमने डैम्पर लगा रखा है। और डैम्पर का लोअर एंड तो आप देखेंगे लोअर विशबोन से कनेक्टेड है, और अपर जो एंड होता है वो आपका क्रॉस मेंबर से जाके कनेक्टेड होता है, वो अपर विशबोन से कनेक्ट नहीं होता है, वो जाकर के क्रॉस मेंबर से कनेक्टेड होता है। ओके, सो ये इस तरीके से हम लोग इसको माउंट करते हैं। द विशबोन नॉट ओनली पोजिशन द व्हील्स एंड ट्रांसमिट द व्हीकल लोड टू द स्प्रिंग बट दीज ऑल्सो रेजिस्ट एक्सेलरेशन ब्रेकिंग एंड कॉर्नरिंग ऑफ द फोर्सेज। तो जो ये विशबोन है ये अभी हमने जैसे लास्ट टाइम में भी पढ़ा, वो विशबोन क्या क्या करती है, सिर्फ आपके लोड को ही ट्रांसफर नहीं करती और शॉक को ही नहीं रेजिस्ट करती है, अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल ऑल्सो रेजिस्ट एक्सेलरेशन ब्रेकिंग एंड कॉर्नरिंग। तो ये तीनों को भी ये हमारी जो विशबोन है ये पियर करती है। ओके, देन द अपर विशबोन आर्म इज जनरली कैप्ट शॉर्टर इन लेंथ देन द लोअर वन टू कीप द व्हील ट्रैक कॉन्स्टेंट एंड देयर बाय टू अवॉइड द एक्सेसिव टायर वियर। तो देखिए जो ऊपर वाली विशबोन दिख रही है वो आपको स्मॉलर दिखेगी विथ रेस्पेक्ट टू द लोअर विशबोन, तो आप ये हमेशा नोटिस करेंगे। इसका पीछे कारण ये होता है कि आपके पास में जो व्हील ट्रैक है, व्हील ट्रैक हम किसको बोलते हैं, फ्रंट के दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस को हम व्हील ट्रैक बोलते हैं, और यदि हम फ्रंट और रेयर की बात करें तो उसको हम व्हील बेस बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट और रेयर के जो व्हील के बीच में डिस्टेंस है वो व्हील बेस कहलाती है, और फ्रंट के दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस को हम व्हील ट्रैक कहते हैं। तो इससे व्हील ट्रैक हमेशा आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है, तो ये एक फायदा है। और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इट विल अवॉइड एक्सेसिव टायर वियर, और इससे क्या फायदा होता है, ये छोटे रखने से हमारा टायर वियर जो होता है वो प्रॉपर रहता है और बहुत जल्दी से टायर नहीं घिसता है। तो ये एडवांटेज हमको मिलते हैं जब हम इस अपर विशबोन को छोटा रखते हैं। हाउएवर अ स्मॉल चेंज इन द कैम्बर एंगल डज अकर्स विद सच एन अरेंजमेंट। और ये छोटे रखने से हमारे पास एक ये होता है कि हमारा कैम्बर एंगल थोड़ा सा डिफर हो जाता है, क्योंकि ये जो टायर है यदि छोटे रखेंगे तो ये अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैम्बर एंगल। तो ये थोड़ा सा कैम्बर एंगल को इफेक्ट कर सकता है, बाकी इससे हमें एडवांटेज जाता है। तो दिस इज अबाउट योर विशबोन टाइप, और यू कैन से डबल विशबोन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पर आप नीचे एक स्केच भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोअर विशबोन है, ये अपर विशबोन है, बीच के अंदर में कॉइल स्प्रिंग लगी है, उसके बीच में शॉक एब्जॉर्बर दिखा रखा है, और ये आपके बीच में देख रहे हैं यहाँ पर स्टब एक्सल लगी हुई है, और स्टब एक्सल से यहाँ पर किंग पिन लगा रखा है जिससे आपका जो आपके पास में हब है उसको आपने कनेक्ट कर रखा, और इसके ऊपर में व्हील माउंटेड है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ योर विशबोन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट। यदि आप कभी किसी एग्जाम में बनाए तो आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ लाइन स्केच ही बनाने की कोशिश करिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल गाइड सिस्टम। वर्टिकल गाइड सिस्टम क्या है, बहुत इजी टाइप का सस्पेंशन सिस्टम है, और इसमें सीधे वर्टिकली हमने क्या किया है, जो हमारी किंग पिन है उसको हमने क्रॉस मेंबर पे ही लगा दिया है। तो ये नीचे आप क्रॉस मेंबर देख रहे हैं जो फ्रंट से आपको नजर आता है, वहीं पर ही आपने क्या किया है, सीधे किंग पिन को इसी के साथ ही लगा दिया है, और यहीं पर आपने क्या किया है आपका, ये आप स्टब एक्सल देख रहे हैं, और स्टब एक्सल को क्या किया आपने, कॉइल स्प्रिंग के साथ में यहाँ पर रोक रखा है। तो जैसे ही यदि मान लीजिए व्हील ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और आपका व्हील ऊपर हो जाएगा, और वैसे ही जैसे ही नीचे आएगा तो ये वापस स्टब एक्सल को ये स्प्रिंग नीचे पुश कर देगी और ये रोड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया और साथ ही साथ बहुत सिंपल हो गया। तो ये कहलाता है वर्टिकल गाइड सिस्टम, क्योंकि ये वर्टिकली अरेंजमेंट होता है। सो एज यू कैन सी इन दिस, इन दिस सस्पेंशन द किंग पिन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द क्रॉस मेंबर ऑफ द फ्रेम। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, इट कैन स्लाइड अप एंड डाउन एज शोन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द व्हील एंड देयर बाय कंप्रेसिंग और एलोंगेटिंग द स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस होती है या एलोंगेट होती है, एलोंगेट मतलब खींचती है। यदि मान लीजिए कोई गड्ढा आया तो ये जो आपका पॉइंट है ये नीचे की तरफ भी जाएगा, उस केस में आपका स्प्रिंग क्या होगी, एलोंगेट होगी, खींचेगी, और जैसे ही वो गड्ढा चला जाएगा तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगी और ये वापस से रोड सर्फेस पे आके टच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहता है। इन दिस टाइप द व्हील ट्रैक एंड व्हील बेस एंड व्हील एल्टीट्यूड रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें फायदा क्या हुआ, हमारा जो व्हील ट्रैक है, अभी हमने बात करी फ्रंट व्हील यानी राइट का व्हील और लेफ्ट की व्हील के जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड व्हील ट्रैक, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। इसी तरह से आगे की व्हील का और पीछे की व्हील का यदि डिस्टेंस देखें दैट इज कॉल्ड व्हील
बेस ये भी आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसी तरह से व्हील का एल्टीट्यूड यानी हाइट जो है व्हील की वो भी हमेशा क्या करेगी, इट विल ट्राई टू रिमेन अनचेंज्ड, ओके। बट द सिस्टम हैविंग डिसएडवांटेजेस ऑफ लेस स्टेबिलिटी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की वो प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि एक पहिया ऊपर हो गया तो आपके पास में उसके वजह से जो स्टेबिलिटी है वो गाड़ी की वो प्रॉपर नहीं रही, लेफ्ट साइड का जो व्हील है वो प्रॉपर आपका जो ग्राउंड के साथ में अपना कॉन्टैक्ट नहीं रख पाता है। सो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट इज ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए इसको हम ट्रेलिंग लिंक भी बोलते हैं और ट्रेलिंग आर्म भी बोलते हैं कई बार। तो होता क्या है इसके अंदर में बेसिकली कि आपके पास ट्रेलिंग आर्म बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन योर राइट दिस डायग्राम यू कैन सी ओवर हेयर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास ये एज टाइप की एक आपको शेप नजर आ रही है और ये ट्रेलिंग आर्म कहलाती है। इसके दो पिवट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जो कि आपके मेंबर पर क्रॉस मेंबर पर अटैच होते हैं और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कर सकता है, एंगुलर मूवमेंट कर सकता है। एंड द अदर एंड जो आगे का एंड है वो क्या होता है, आपके एक्सेल के अंदर में कनेक्टेड रहता है जिसके ऊपर व्हील माउंटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स अरेंजमेंट लुक्स लाइक। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन है हेलिकल कॉइल स्प्रिंग इज अरेंज इन हॉरिजेंटल पोजिशन रेदर देन वर्टिकल पोजिशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजेंटली आपके पास एक कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी ट्रेलिंग आर्म के ऊपर में माउंटेड है। द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद द क्रॉस मेंबर ऑफ द फ्रेम एंड द अदर एंड इज ऑन द ट्रेलिंग आर्म। तो इसका नीचे वाला हिस्सा तो आपको ट्रेलिंग आर्म पे दिख रहा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा कहाँ सपोर्ट होता है, आपकी क्रॉस मेंबर के ऊपर जो आपकी गाड़ी का लोड लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाले डायग्राम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉइल स्प्रिंग का ऊपर का जो हिस्सा है वो कहाँ पर रेस्ट करता है, क्रॉस मेंबर के ऊपर, और क्रॉस मेंबर किसका लोड लेता है, पूरी गाड़ी का लोड लेता है। तो ये इस तरीके से पूरी गाड़ी का लोड क्या होता है, आपका ट्रेलिंग आर्म के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, ओके। द अदर एंड ऑफ द ट्रेलिंग आर्म इज अटैच्ड टू द शाफ्ट विच कैरीज द व्हील हब। तो ये जो व्हील हब है यहाँ पर आपका ट्रेलिंग आर्म का एक एंड कनेक्टेड रहता है, ठीक है। व्हेन द व्हील मूव्स अप एंड डाउन इट वाइंड्स एंड अनवाइंड्स द हेलिकल स्प्रिंग टू एब्जॉर्ब द व्हील वाइब्रेशन ड्यू टू रोड इरेगुलरिटीज। तो जब भी आपका पहिया ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, ये कॉइल स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी या एलोंगेट होगी और ये जो ट्रेलिंग आर्म है ये पूरी की पूरी ट्रेलिंग आर्म ऊपर उठेगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट टेक्स योर रोड बम्प्स एंड पिट्स। टू चेक द वाइब्रेशंस ऑफ द स्प्रिंग मल्टीप्लेट शॉक एब्जॉर्बर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द क्रॉस मेंबर। तो देखिए यदि हम सिर्फ स्प्रिंग ही काम में लेते तो हमारी रेजाइलेंस बढ़ जाती, हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती। तो हम चाहते हैं कि ये वाइब्रेशंस कम से कम करें, तो हमने एक एडिशनली डैम्पर और लगा दिया है फ्रंट एंड पे, क्रॉस मेंबर के फ्रंट एंड पे। ये क्या काम करता है कि जब भी शॉक आता है तो स्प्रिंग तो वो लेती है, साथ में जो रिजाइलेंस थी बार बार में जो अप एंड डाउन मूवमेंट थी उसको ये डैम्पर क्या करता है, चेक करता है, वहीं रोकता है और आपकी गाड़ी वाइब्रेशन होने से बच जाती है। तो दिस इज द एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डैम्पर्स, ठीक है। इन सम केसेस ऑफ डिजाइन टोर्शन बार्स आर ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग। तो ये जो आप हेलिकल स्प्रिंग देख रहे हैं कुछ डिजाइंस के अंदर में ट्रेलिंग लिंक के हैं, वहाँ पर हमने टोर्जन बार भी काम में लिया है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टोर्जन बार, तो यहाँ पर हम टोर्जन बार को भी काम में ले सकते हैं और इसकी रेस्पेक्ट में क्या होता है, जब जब व्हील ऊपर जाएगा वो टोर्जन बार क्या करेगी, आपकी एंगुलर मूवमेंट करेगी और जैसे ही वो आपके पास में वापस नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी टोर्जन बार वापस सीधा होने की कोशिश करेगी, तो ये वापस रोड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ योर ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन टाइप ऑफ सिस्टम works, okay. Now let's move ahead, that is swinging half axle suspension system. Swinging का मतलब क्या है कि लहराती रहती है, swing करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह की suspension system को बोलते हैं swinging half axle type of suspension. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों independent half axle लगी हुई हैं, ठीक है, और दोनों ही जो half axles हैं उस पर independently आपके पास में coil springs लगी हुई हैं और उसके अंदर में आप shock absorbers देख रहे हैं, ठीक है। So इस तरीके से ये क्या है, दोनों ends पे लगी रहती है और ये ऊपर cross member पे आपकी ऊपर से माउंटेड रहती हैं। इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन द व्हील आर रिजिडली माउंटेड ऑन हाफ एक्सल्स विच आर पिवटेड ऑन देयर एंड्स टू द चेसिस मेंबर एट द सेंटर ऑफ द कार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिवटेड पॉइंट्स हैं ये हाफ एक्सल के, और यदि ये व्हील ऊपर नीचे होता है तो इस पिवट पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा एक्सेल क्या करेगा, ऊपर नीचे एंगुलर मूवमेंट करेगा और ये जो स्प्रिंग है ये इसका लोड लेगी। द हाफ एक्सल आर कनेक्टेड विद द कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर टू द फ्रेम। तो ये जो कॉइल स्प्रिंग लग रही है ये नीचे तो आपके पास इस हाफ एक्सेल पे अटैच है और ऊपर की तरफ में जो आपके पास फ्रेम है क्रॉस मेंबर लग रहा है उसके साथ में ये क्या करती है, ऊपर से अटैच रहती है। इट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन बट द मेन डिसएडवांटेज इज
the up and down movement of the wheel causes the camber angle to vary. तो देखिए ये पूरा का पूरा व्हील ही ऊपर हो रहा है आपका, तो उससे क्या हो रहा है आपके पास में व्हील जब ऊपर नीचे होता है तो आपका पूरा कैम्बर एंगल चेंज हो जाता है इसका। तो कोई भी यदि बम्प और पिट आया तो ये जो कैम्बर एंगल है वो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता रहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बींग विथ मी।